बेसिक बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि एक दुविधा में एक इंसान पड़ जाता है दो कर्तव्यों के बीच एक ही कर्तव्य को वो चुन सकता है तो उस दुविधा में वो इंसान क्या डिसीजन लेता है यही मेन पॉइंट घुमा फिरा करके बोला गया है अब यहाँ बात आ गया है एक डॉक्टर का कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा कि जो मेन कैरेक्टर हैं वो डॉक्टर हैं डॉक्टर सदाव होकी जो अमेरिका से मेडिसिन की पढ़ाई करके आए हैं और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए उनको अमेरिका भेजा था उनके फादर ने क्योंकि फादर की सबसे बड़ी चिंता सदाव की पढ़ाई की ही थी तो एक तो इंसानियत फर्ज ऊपर से डॉक्टर का फर्ज डॉक्टर लोग जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर्स को एक ही बात बताई जाती है कि तुम्हारे सामने जो घायल या बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है उसका तुमको इलाज करना है बेस्ट पॉसिबल वे में बगैर ये देखे हुए कि तुम्हारे सामने पड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन है तुम्हारे कास्ट का है कि नहीं तुम्हारे नस्ल का है कि नहीं तुम्हारे कंट्री का है कि नहीं ये सब देखना एक डॉक्टर के कर्तव्य के अगेंस्ट है डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ मरीज़ की जान बचाना यही डॉक्टर का टॉप मोस्ट ड्यूटी होता है कर्तव्य होता है तो डॉक्टर सदाओ, जिसके साथ जिनके घर के पास एक अमेरिकन सोल्जर बहुत बुरी स्थिति में आया पाया गया पानी में बह के बह के आया तब डॉक्टर सदाओ के मन में ये दुविधा हुई कि मैं अब एक डॉक्टर होने का फ़र्ज़ पूरा करूं, या एक पैट्रियट होने का फर्ज पूरा करूं, देशभक्त अगर डॉक्टर का फर्ज पूरा करूंगा तो सेना बुला करके इस घायल अमेरिकन सोल्जर के बारे में बता देना होगा और सेना उसको पकड़ के ले जाएगा और निश्चित रूप से उसको मार दिया जाएगा क्योंकि वो भागा हुआ सैनिक है कैद से दूसरा कर्तव्य कि सदाव एक डॉक्टर है और उसको ये नहीं देखना है कि उसके सामने जो घायल व्यक्ति है वो अमेरिकन है कि इंग्लैंड का है कि जर्मन है कि इंडियन है ये तो उसको नहीं देखना है उसका प्रोफेशन उसको ये बताता है कि किसी की भी चीज़ का हो आपका पहला ड्यूटी है उसको जान बचाने का तो डॉक्टर सदाव क्या निर्णय लेते हैं यही एक पूरा लंबा स्टोरी बनाया गया है इसी सरकमस्टेंस के ऊपर यहाँ से आपका टेक्स्ट बुक का स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होता है जो हाईलाइट किए हैं थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा वैसे तो मैं क्वेश्चंस पूछता ही जाता हूँ यहाँ से शुरू है डॉक्टर सदाउज होकी के घर के बारे में बताया गया सबसे पहले कि उनका घर जापान में कहां सिचुएटेड था और यही सवाल भी पहला बनता है कि डॉक्टर हो सदाओ का घर जापान में कहां था कैसे जगह पर था यहां देखो लिखा हुआ है हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफ एन प्लेड तो अगर पूछा जाए कि उसका घर कहां था तो ये वाला वर्ड आपको देखना है जैपनीज कोस्ट कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा जापान में समुद्र के किनारे उसका घर था सदाव का और यह घर सदाव का बनाया हुआ था कि उसके फादर का बनाया हुआ था इसका जवाब यहां मिल जाता है कि उसी घर में सदाव ने अपना बचपन बिताया था खेलते हुए लिखता है लिटिल बॉय ही हैड ऑफ एन प्लेड उसी घर में सदाओ का बचपन बीता था इसका क्लियर मतलब है कि वह घर सदाओ के फादर ने बनवाया था द लो स्क्वास्टोन हाउस वॉज सेटअप अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच डैट वॉज आउट लाइन विथ बेंट पाइंस पहले तो बताया कि उसका घर जापान के कोस्ट पर था और बताया है उसके घर के बारे में जो याद रखना है लो द लो लो का मतलब है कि घर की ऊंचाई कम थी वैसे भी जापानीज़ लोगों का हाइट थोड़ा एवरेज हाइट से कम होता है तो उनके घर जो होते हैं उनका ऊंचाई भी कम होता है इसीलिए लो लिखा है स्क्वायर स्टोन पे बना हुआ था उसका घर पत्थरों के ऊपर बना हुआ था उसका घर स्क्वायर स्टोन के ऊपर उसका घर बना हुआ था रॉक्स सेट अपॉन रॉक्स और बना भी हुआ था पत्थरों से ही पत्थरों के ऊपर पत्थरों से ही उसका घर बना हुआ था एक बीच पर समुद्र के बीच पर नैरो बीच बोला है मतलब छोटा बीच रहा होगा दैट वॉज आउटलाइन विथ बेंट पाइंस ये पाइंस जो है ये इंपॉर्टेंट है पाइंस एक ट्री है एक पेड़ है हमारे यहाँ इंडिया में समुद्र के किनारे आप देखते होंगे कि कुछ पेड़ होते हैं जो बड़े लंबे होते हैं और कर्व सेप के होते हैं देखने में वो पेड़ कोकोनट ट्री जैसे दिखाई देते हैं नारियल के पेड़ जैसे दिखाई देते हैं लंबे लंबे पेड़ होते हैं और थोड़े बेंट होते हैं हाफ बेंट होते हैं तो ये हमारे यहां होता है और यही अमेरिका में जो ऐसे पेड़ पेड़ होते हैं उनको पाइन ट्रीज बोला जाता है या देखिए पाइन वर्ड लिखा है पाइन ट्रीज उनका घर जैपनीज कोस्ट पर था सदाओ अपना बचपन उस घर में बिताया था खेलते हुए वो घर लो था स्क्वायर स्टोन का बना हुआ था और रॉक्स के ऊपर बना हुआ था एक नैरो बीच पर और उसके बीच और घर ये एक आउटलाइन किया हुआ था पाइन ट्रीज से आउटलाइन करने का क्या मतलब है कि घिरा हुआ था जैसे बाउंड्री करते हैं हम लोग घर के बाहर तो उनके घर के बाहर जो बाउंड्री था वो पाइन के ट्रीज का बाउंड्री था मतलब एकदम लाइन से गोल करके पाइन ट्रीज लगे हुए थे उसके घर के चारों तरफ सदाव के घर के चारों तरफ एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइं द पाइंस सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट जब सदाव छोटा था एज अ बॉय जब सदाव छोटा था तो सदाव भी उन्हीं पाइंस के पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता था क्लाइंब करना मतलब चढ़ना है चढ़ने की कोशिश करता था और बेयर फिटेड रहता था मतलब खाली पाँव चढ़ता था जूता चप्पल पहन के नहीं चढ़ता था खाली पाँव उन पाइन ट्रीज़ पर चढ़ने की कोशिश करता था सदाव जब वो बचपन था जब उसका एज अ बॉय और ऐसी कोशिश वो क्यों करता था क्योंकि वो कुछ लोगों को देखता था उन पेड़ों पर ऐसे चढ़ते हुए ऐसे यहाँ लिखा हुआ है देखो एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज वेन दे क्लाइंट फॉर कोकोनट्स उन्हें उसने सदाओं ने ये चढ़ने वाला जो स्टाइल uh, था वो सदाव ने देखा था कुछ लोगों को जो कोकोनट ट्रीज पे चढ़ करके कोकोनट तोड़ तोड़ते थे तो वो लोग जिस तरह से चढ़ते थे सदाव उन्हीं का नकल करके और पाइन ट्रीज पर चढ़ने की कोशिश करता था अपने बचपन के दिनों में ऐसा वो चढ़ने की कोशिश करता था पाइन ट्रीज पे खेलता था द फादर है टेकन हिम ऑफेंड टू द आईलैंड्स ऑफ दो सीज उसके फादर सदाओ के फादर सदाओ को अक्सर घुमाने ले जाते थे समुद्र में आईलैंड पर यहां देखो लिखा है आईलैंड सीज आईलैंड का मतलब होता है टापू द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है जो समुद्र में होता है बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं अलग अलग साइज के छोटे आइलैंड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं कुछ आइलैंड्स पर लोग रहते हैं कुछ आइलैंड्स वीरान रहते हैं उस पर कोई नहीं रहता तो आपसे पूछा जाएगा कि सदाव के फादर सदाव को घुमाने के लिए बचपन में कहाँ ले जाते थे यहाँ से जवाब दीजिएगा आइलैंड ऑफ दोज सीज वो उनको टापू पर ले जाते थे घुमाने के लिए सदाव को जब सदाव छोटा बच्चा था आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सदाव के घर के चारे चारों तरफ किस चीज के ट्रीज थे तो आप ट्रीज बताइएगा पाइन के ट्रीज थे और उन ट्रीज पर सदाव क्या करता था सदाव उन ट्रीज को क्लाइंब करने का कोशिश करता था खाली पैर की जूता पहन करके खाली पैर ऐसा उसने किसी को कुछ लोगों को करते हुए देखा था साउथ के लोगों को जो लोग कोकोनट तोड़ते थे कोकोनट ट्री पे चढ़ के जैसे वो लोग हाथ पैर का यूज़ करके चढ़ते थे खाली पाँव वैसे ही कोशिश करता था सदाव चढ़ने का अपने बचपन में उसके फादर उसको घुमाने कहाँ ले जाते थे आइलैंड्स पे ले जाते थे एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड जब भी उसके फादर उसको किसी भी आइलैंड पर ले जाते थे तो एक बात सेम बात वो हमेशा अपने बेटे को मतलब सदाओ को बोलते थे सेम बात अब यहाँ देखिए सदाव को क्या बोला गया है ब्रेव बॉय ब्रेव बॉय मतलब हिम्मत वाला लड़का तो इन चाइल्डहुड आल्सो बचपन में भी सदाव ब्रेव बॉय था तो ब्रेव बॉय को जब वो घुमाने ले जाते थे तो हर बार वो एक पार्टिकुलर चीज बताते थे सदाव को बचपन में क्या बताते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां लिखा हुआ है दोज आईलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापैन ये लाइन है सदाओ के फादर का यह लाइन देकर के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह लाइन किसने किससे कब कहां कहा दोज आइलैंड यौर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान मतलब है कि वो अपने बेटे को जब आइलैंड्स दिखाते थे तो बोलते थे दिखा करके दिखाते हुए कि देखो ये जो टापुआ टापू है ना इन टापुओं को देखो और इन्हीं टापुओं को पार करके तुम जापान का भविष्य अच्छा कर सकता है उसके लिए तुमको इन टापुओं को पार करना होगा टापुओं को पार करने का ये मतलब नहीं है कि तैर के पार करना होगा मतलब कि उन टापुओं को पार करके तुमको बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होगा समुद्र पार करके और वहाँ जा के तुमको मेडिसिन का पढ़ाई करना है डॉक्टर बनना है और वापस आ के अपनी देश की सेवा करनी है और उन टापुओं को उसके फादर स्टेपिंग स्टोन्स बोलते हैं ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आइलैंड्स को क्या बोला गया है स्टेपिंग स्टोन्स रिवर्स करके पूछेगा कि स्टेपिंग स्टोन्स किन को बोला गया है तो आइलैंड्स को बोला गया है कौन से आइलैंड्स जो आइलैंड्स सदाओ के फादर सदाओ को दिखाने घुमाने ले जाते थे सदाओ के बचपन में और पूछेगा कि क्या बोलते थे तो ये वाला लाइन पूरा है ये बोलते थे कि इन्हीं टापुओं को पार करके तुम जापान का फ्यूचर बना सकते हो इन्हीं टापुओं के पार जापान का फ्यूचर बसा हुआ है ऐसा वो बोलते थे हमेशा जब भी वो ले जाते थे तो फिर इस सेंटेंस को सुन करके सदाव बच्चा था उसके मन में सवाल उठता था वो सवाल पूछता था वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम सदाव हैड आस्ट सीरियसली सदाव बहुत सीरियसली पूछता था अपने फादर से कि आप ये बोल रहे हैं कि इन टापुओं को पार करके हम लोग जापान का एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं तो वो पूछ दिया बच्चा था सदाओ वो पूछ दिया कि इनको पार करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे कहाँ मतलब कि इसके उस पार क्या है सदाओ को पता नहीं था वो पूछा कि इसके उस पार क्या है इन आइलैंड्स के उस पार ऐसा क्या है जहाँ जा करके हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं वो अपने फादर से पूछता था तो ये वाला सेंटेंस भी दे सकता है कि ये किसका सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस लिखेगा वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम इनसे इन, इन टापुओं को पार करके हम लोग कहाँ पहुंचेंगे ये सदाओं का क्वेश्चन होता था जब सदाओ के फादर ये वाला लाइन बोलते थे कि इन टापुओं को अच्छे से देखो इन्हीं को पार करके जापान का फ्यूचर बनेगा तब सवाल करता था कि कहाँ पहुँचेंगे उसका जवाब क्या देते थे और वो ये सवाल बहुत सीरियसली करता था सदाओ। मतलब कि वो उतने छोटी उम्र में भी वो सीरियसली इस बात को ले रहा था कि जापान का डेवलपमेंट करने करने के लिए अगर हमको इन टापुओं के पार जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे लेकिन वो पूछता है कि कहां पहुंचेंगे हम इनको पार करके इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग दिए हैं उसके फादर बोलते हैं हु नोज हु का मतलब है कोई नहीं जानता कि तुम इसको पार करके कहां पहुंचोगे कोई नहीं जानता हिज फादर हैड आंसर्ड उसके फादर ने जवाब दिया कि इन टापुओं को पार करके तुम कहां पहुंचोगे ये कोई नहीं जानता दैट डिपेंड्स ऑन यू आगे देखो लिखा है हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट ये उसके फादर का जवाब था जब फादर से पूछा डगलस, ओ सॉरी, सदाओ पूछा कि इन टापुओं को पार करके हम कहां पहुंचेंगे तो उसके फादर ने कहा हु नोस कौन जान सकता है और उसके आगे बोलते हैं हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर मतलब कि कोई भी हमारे भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकता है बांध नहीं सकता है हमारा भविष्य सिर्फ और सिर्फ हम पे डिपेंड करता है मतलब कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं कोई आपका भविष्य न बिगाड़ सकता है ना बना सकता है यह उसके फादर का टीचिंग था जिसको सदाओ बहुत सीरियसली नोट करता था सीखता था उसके फादर बोले इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट कि हम अपना फ्यूचर जैसा बनाना चाहेंगे वैसा फ्यूचर बनेगा ये सदाओ को वो लेसन देना चाहते थे कि तुम अपना फ्यूचर जैसा बनाना चाहोगे वैसा बनेगा कोई रोक नहीं सकता है तुमको कोई तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो यह उसके फादर का आंसर होता था सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड सदाओ ने अपने फादर के हर बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया था बचपन से ही वो यहां लिखा हुआ है न दिस इंटू हिज माइंड वो अपने दिमाग में अपने फादर के बात को एकदम अच्छे से बैठा लिया और he did everything his father said. उसके फादर जो भी बोलते थे, वो काम वो काम करता था वॉज ओबीडियंट सन वो एक आज्ञाकारी बेटा था संस्कारी भी बोल सकते हैं ही वॉज एन ओबीडियंट सन जैसे उसका फादर चाहते थे वैसा वो करता था हिज फादर हु नेवर जोक्ड एंड प्लेड विथ हिम उसके फादर जो थे वो कभी सदाओ के साथ ना तो किसी तरह का मजाक करते थे और ना किसी तरह का खेल खेलते थे अक्सर देखा जाता है कि बचपन में फादर और सन जो हैं वो खेलते हैं एक साथ मजाक करते हैं पर साधा Uh, सदाओ के फादर का नेचर यहां बताया गया है कि सदाओ के फादर जो थे वो सदाओ से कभी मजाक नहीं करते थे और सदाओ से कभी के, के साथ कभी खेलते नहीं थे करते क्या थे वो बट हुपेंट इनफाइनाइट पेंस अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन यहां लिखता है इनफाइनाइट पेंस पेन मतलब होता है दुख दर्द और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई लिमिट ना हो अनलिमिटेड इसका मीनिंग ये है कि उसके फादर उसके साथ ना तो जोक करते थे ना तो खेलते थे इसका उल्टा वो अपने बेटे को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में डालते थे जितना मुश्किल परिस्थिति में डाल सके उतना मुश्किल परिस्थिति में वो अपने बेटे को डालते थे और याद रखिए कि वो सदाव अपने फादर का एकमात्र बेटे एकमात्र चाइल्ड था बेटा ही नहीं चाइल्ड ही एक ही था और जो सिंगल चाइल्ड होते हैं आम तौर पर उन लोगों को तो अपने माँ बाप का बहुत लाड़ प्यार मिलता है लेकिन यहां सदाव के फादर को देखिए कि सिंगल चाइल्ड को मतलब सदाव को न कभी उन्होंने लाड़ प्यार दिया ना बिगाड़ा न कभी उसके साथ मजाक किया न खेले उल्टा उसको टफ से टफ सिचुएशन में वो डालते थे जानबूझकर के करके डालते थे ताकि सदाव के अंदर वो स्किल डेवलप हो सके कि मुश्किल परिस्थितियों का वो खुद से सामना कर पाए ऐसा सोच था सदाव के फादर का ऐसा ट्रीट करते थे वो सदाव को ऐसे वो सदाव को प्रिपेयर कर रहे थे जो कि उनका ओनली सन था एक ही बेटा था फिर भी ऐसा ट्रीट करते थे उसको सदाउ न्यू दैट इज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न पहले भी आया था कि सदाव जानता था कि उसकी पढ़ाई ही उसकी फादर का मुख्य चिंता का विषय है फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट ट्वेंटी टू टू अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उसके फादर को उसकी पढ़ाई की सिर्फ चिंता थी तो उसके फादर ने उसको अमेरिका भेजा 22 साल की उम्र में याद रखने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि कितने साल की उम्र में आ, सदाओ के फादर ने सदाओ को अमेरिका भेजा एट 22 टू कहां भेजा अमेरिका क्या सीखने के लिए भेजा आगे देखा है टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन ये पूछेगा कि किस लिए भेजा था अमेरिका तो ये दो वर्ड सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जितना भी कुछ सीखा जा सकता है वो सब कुछ सीखने के लिए सदाओ के फादर ने सदाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा ही हैड कम बैक एट थर्टी सदाओ अपना कोर्स पूरा करके आठ साल बाद तीस साल की उम्र में यहां लिखा है थर्टी मतलब आठ साल बाद वो वापस आया था जापान सदाओ अपना मेडिसिन और सर्जरी का कोर्स पूरा करके आठ साल बाद तीस साल की उम्र में वो जापान लौटा एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट इसके पहले कि जैसे सदाव जब आया आठ साल की पढ़ाई करके और सर्जरी और मेडिसिन का पढ़ाई करके तो उसके फादर का तब तक उम्र भी काफ़ी हो चुका था फादर बूढ़े हो चुके थे लेकिन लिखा है कि फ़ादर ने मरने से पहले बिफोर हिज़ फादर डाइड उसके पहले फादर जब उसके मरे उसके पहले ही फादर ने सदाओ को एक फेमस सर्जन बनते हुए देखा था मतलब कि जो उनका सपना था जो उनके फादर का मकसद था कि मेरा बेटा सर्जरी के फील्ड में कुछ अच्छा करे वो जीते जी उन्होंने देख लिया था सदाव जीते जी जब उसके फादर जिंदा थे तभी सदाव वापस जब सीख करके आया आठ साल बाद तब वो जापान का नंबर वन डॉक्टर कंसीडर किया जाता था बेस्ट सर्जन इन जापान सबसे अच्छा सर्जन जापान का और इसके कैरेक्टर में मैंने बताया था ओल्ड जनरल के बारे में कि ओल्ड जनरल को की तबीयत खराब थी उसको कभी भी सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता था और सर बेस्ट सर्जन कौन था जापान का उस समय सदाओ तो वो सदाओ पर डिपेंड करता था वो ओल्ड जनरल तो सदाओ ने अपने फादर का सपना पूरा किया मरने से फादर फादर के मरने से पहले सदाओ ने अपने फादर को दिखाया कि वो बेस्ट सर्जन बना जापान का और सिर्फ बेस्ट सर्जन नहीं बना वो सर्जन के साथ साथ साइंटिस्ट भी बना ये नया एंगल जुड़ गया सर्जन तो बना ही वो साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस हुआ अब साइंटिस्ट कौन होते हैं साइंटिस्ट होते हैं जो कुछ डिस्कवर करते हैं जो कुछ नया खोज करते हैं तो इसने सदाव ने मेडिकल के क्षेत्र में ही मेडिसिन के क्षेत्र में ही एक डिस्कवरी किया था एक बहुत बड़ी खोज की थी इसीलिए उसको सर्जन के साथ साथ साइंटिस्ट भी बोला गया अब क्या खोज किया था जो साइंटिस्ट कहलाया ये यहां लिखा हुआ है बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वर् क्लीन ही हैड नॉट बीन सेंट इंटायरली क्लीन यहाँ तक वो साइंटिस्ट इसलिए कहलाया क्योंकि वो एक ऐसा दवा डिस्कवर कर रहा था एक ऐसा दवा बना रहा था जिससे कि घाओ किसी भी तरह का घाव वर्ल्ड मतलब घाव होता है तो बड़ा से बड़ा घाव किसी भी कंडीशन का घाव वो इंटायरली क्लीन हो सकता था मतलब पूरी तरह से घाव ठीक हो जाता इन अ वेरी लेस टाइम पीरियड और ऐसा ठीक होता कि घाव का निशान तक नहीं रहता ऐसा एक दवा का डिस्कवरी कर रहा था या कर चुका था डॉक्टर सदाओ इसीलिए उसको डॉक्टर मतलब सर्जन के साथ साथ साइंटिस्ट भी बोला गया वो जापान का न सिर्फ बेस्ट सर्जन था बल्कि एक साइंटिस्ट भी था पूछेगा साइंटिस्ट क्यों तो उसने डिस्कवरी किया था किस चीज़ का डिस्कवरी एक दवाई का क्या होता उस दवाई से उस दवाई से वुंड्स जो हैं घाव जो हैं वो इंटायरली क्लीन हो जाते पूरी तरह से ठीक हो जाता ऐसा डिस्कवरी किया था इसीलिए उसको साइंटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स वो युद्ध चल रहा था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध चल रहा था जापान का आर्मी लड़ रहा था अमेरिकन आर्मी के खिलाफ लड़ रहा था और युद्ध के समय में जब सैनिक युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल के लिए उनके इलाज के लिए युद्ध के मैदान में बेस्ट डॉक्टर्स को भेजा जाता है बेस्ट डॉक्टर्स को जापान का बेस्ट डॉक्टर बेस्ट सर्जन कौन था सदाओ। मगर सदाओ को सैनिकों के देखभाल के लिए युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया यह पूछेगा आपसे कि क्यों नहीं भेजा गया क्यों उसको जापान में ही रखा गया जबकि उसका उसका जरूरत तो युद्ध के मैदान में सैनिकों के देखभाल के लिए था बिकॉज ही वॉज द बेस्ट सर्जन एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट ही अ मेडिसिन विच कैन इंटायरली क्लीन द वुंड लेकिन फिर भी उसको युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्यों नहीं भेजा गया और आंसर भी आप अगर कैरेक्टर्स वाला में ध्यान दीजिएगा तो आंसर वही मिल गया था क्योंकि सदाव की जरूरत किसको थी सदाव की जरूरत थी जनरल को बूढ़े जनरल को किसी भी समय जरूरत पड़ सकता था बूढ़े जनरल को ऐसा बीमारी था कि उसको सर्जरी का जरूरत किसी भी समय पड़ सकता था रात को भी और पूरे जापान में किस डॉक्टर पर वो बूढ़ा सबसे ज्यादा विश्वास करता था तो सदाओ पे इसीलिए सदाओ को सैनिकों के इलाज के लिए नहीं भेजा गया बल्कि वो जो ओल्ड जनरल था उसके इलाज के लिए सदाओ को जापान में ही रखा गया क्वेश्चन पूछेगा जापान में ही क्यों रखा गया जनरल के कारण क्योंकि जनरल को नीड था और भरोसा था सिर्फ सदाओं पर क्यों भरोसा था सिर्फ सदाओं पर इसका भी रीज़न आपको पता चलेगा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू